Oh, where are you going? By W.H. Eden. Winston Hugh Eden was a British American poet. W.H. he was born on 1907 and died in 1943. He was educated at Oxford and taught in England and Scotland for some time. He wrote poetry and won fame in political as well as social circles he showed deep interest in the language and metaphor it means he was quite interested in poetry among his famous volumes of the words are called look stranger another time and the age of the anxiety in this video we are going to talk about the poem which is named as oh where are you going this is the poem which is actually the dialogue between a two imaginary person सोनीफाइड एज रीडर एंड राइडर सो दो लोग हैं जिनके दरमियान ये पोएम जो है वो मकालमा है पहला जो है वो रीडर है यानी पढ़ने वाला और दूसरा जो है वो राइडर यानी घुड़सवार सो so, घुड़सवार जो है वो एक बोल्ड इंसान है ऑन द अदर हैंड रीडर जो है वो एक कोवर्ड इंसान है शेक्सपियर ने डिब्लियो च्यूडिन की राइटिंग के बारे में कमेंट किया था वो ये कि हीज़ वर्क इज़ नोटेड फॉर द स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट इनकी पोइटी में वाकई एक टेक्निकल अचीवमेंट है इनकी पोइट्री इट्स एंगेजमेंट विद द मॉरल एंड पोलिटिकल इशूज एंड वराइटी ऑफ द टोन एंड फॉर्म एंड कॉन्टेंट और नो डाउट बहुत ज्यादा इनकी पोइट्री में डाइवर्सिटी का एलिमेंट है नो डाउट अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे यू विल ऑल्सो कम टू नो कि पोएम जो है वो कहीं भी बोरिंग नहीं है बल्कि इट्स क्वाइट इंगेजिंग टू रीड द पोएम सो और पोएम जो है वो खुद भी बहुत सारे मीनिंग्स रखती है सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट द पोएम So, what the first stanza, what the poet is saying? Oh, where are you going? Said reader to rider. That valley is fatal when furnaces burn. Yonder the maiden whose orders will madden. That gap is the grave where the tall return. So, what the poet is saying? Oh, where are you going? rahe ho? said reader to the rider. Gur sa war ko hai, covert insan. Reader jo hai buzdil insan hai, wo rider ko hai, jo kek, घोड़संवारा है उसको कह रहा है कहाँ जा रहे हो क्या तुम्हें नहीं पता है कि उस वैली जिसमें तुम जा रहे हो उसमें फर्नेसिस हैं मतलब बहुत ज़्यादा क्या है मुश्किल हैं वहाँ पर मतलब इट्स इट्स नॉट इजी टू गो देयर फर्नेसिस बंद फर्नेस वैसे कहते हैं ईंधन को तो वो वो जगह है जहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं जा सके वो बहुत ख़तरनाक जगह मीन ही इज़ ट्राइंग टू टेरिफाइंग फ्राम द जर्नी ही वॉन्ट्स टू अंडरटेक जॉन्डर यॉन्डर कहते हैं वहाँ जॉन्डर द मीडन विल मैडन मीडन मीन्स एनिमल वेस्ट हुज ऑर्डर विल मैडन मीन्स ऑर्डर विल विल मेक मैड दिस गैप इज ग्रेव वेर रिटर्न और वहाँ से वो जो वो जो जगह है वहाँ से बहुत कम लोग आते हैं और वो बेसिकली तो बहुत सारे लोगों की कबर की जगह है सो हियर वट द वट द रीडर इज डूइंग वो उसको मुकम्मल तौर पर डराने की कोशिश कर रहा है कि वो जर्नी जो वो ले करने जा रहा है वो जर्नी जहाँ पर वो जा रहा है याडरटेक करने जा रहा है वो बेसिकली एक खतरनाक जर्नी है इट विल भी डेंजरस देर विल भी द लॉट ऑफ द डिफिकल्टीज दैट ही विल फेस एंड एक्चुअली ही विल फेस द डेथ सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक एन इमेज सो दैट ही कैन ही कुड नॉट स्टार्ट द जर्नी सेकेंड स्टैंडा ओ डू यू इमेजिन सेट फेयर टू फेयर दैट डिले ऑन योर पाथ टू पास योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू क्रॉस अब यहाँ पर पोइट ने दो लोगों का दोबारा से इमेज यूज पिछले वाले स्टैंडा में किसका इमेज यूज किया था पिछले यूज किया था रीडर का और राइडर का और यहाँ पर यूज किया है इमेज फेयरर फेयर कहते हैं मुसाफिर सो राइडर और फेयर सेम है मतलब वो दोनों बोल्ड इंसान है एक ही बात है एक ही शख्स के दो तरह के नाम गए फेयरर यानी जो खुद से इंसान खौफजदा है अब वो उसे क्या कह रहे हैं ओ डू यू इमेजिन क्या तुमने कभी इमेजिन किया है दैट डस्क वेर पाथ टू दास्ट कहते वो शाम का धुंधलका जो हमेशा तुम्हारे रास्ते में पड़ा रहेगा योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट इंसान समझते हो लेकिन असल में तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी आ, अस, असलियत क्या है मीन्स यू विल कम टू नो कि वाकई तुम्हारी गलती थी ये ये सफ़र को अंडरटेक करना योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास कहता क्या तुम्हारे स्टेप्स जो हैं जो तुम्हारे पाँव हैं क्या वो रेडी हैं स्टोन की uh, सख्ती को महसूस करने के लिए एक्चुअली वट इज़ ही इज़ ट्राइंग टू टैरिफाई दियर मुख्तफ इमेज़ यूज़ करके ना वो उसको मुकम्मल तौर पर डराना चाह रहे हैं अच्छा ना हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि नो uh, डाउट no के पोएम में ना डब्ल्यू स्टूडन ने बहुत ही अच्छे वे में uh, दो लोगों की टेक्निक यूज़ करके एक कमाल वे में दो लोगों का मकालमा बनाया लेकिन आ, हो सकता है कि ये मुकाल है तो दो लोगों का लेकिन इमेजिनरी पर्सन का हम ये भी कह सकते हैं कि ये आ, आ, जो आ, राइडर है उसका मतलब जिसने सवार जर्नी पर जाना है उसका और इसकी इनर सेल्फ का मकाल, मकालमा मतलब जो उसके अंदर एक खौफ है क्योंकि हर इंसान जब कोई काम करना लगता है कोई सफर पर जाने लगता है या कोई नया एम या कोई भी जर्नी स्टार्ट करने लगता है उसके दिल में बहुत ज़्यादा अंदेश बहुत ज़्यादा खौफ होता है सो so, क्या हम अब हमने ये देखना है कि क्या वो जो राइडर है मतलब जो बंदा जो सफ़र में जाना चाहता है क्या वो अपने खौफ खौफ क्या वो खौफ पर कबू पा लेगा या खौफ उस पर कबू पाएगा देट इज़ टू सी एट द एंड सो दैट वज द सेकेंड स्टेंजर इन विच द पोएट इज द फेयर मीन्स द पर्सन हु वांट्स टू गो ऑन द जर्नी इज़ बींग टिफाइड बाय द फेयर मीन्स द पर्सन ऑलरेडी टेलीफाइड ताकि वो इस जर्नी को कंटिन्यू ही ना कर सके थर्ड स्टैंड ओ वैट बर्ड ये कौन सा बर्ड है सेड हॉर टू हेयर अब दो लोग अगेन वही वाला इमेज किसका हॉर मतलब खौफ और हेयर सुनने वाला सो so, खौफ किसको कह रहा है राइडर को कह रहा है मतलब वो शख्स से सफर पे जाना चाह रहे हो उसको कह रहे है ये तो वो कौन सा परिंदा था डिड यू सी दैट शेप इन ट्रीज क्या तुमने घने जंगलात में कोई इस तरह की शेप देखी है बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स आउट सॉफ्टली है जैसे तुम वहाँ से गुजरोगे वो तेज़ी से तुम्हारे पीछे आ जाएगा आराम से और तेज़ी से तुम्हारे पीछे आ जाएगा द स्पॉट इन द स्किन इज शॉकिंग डिजीज और जो तुम्हारी स्किन पर कुछ निशान है ना मुझे लग रहा है ये कोई ना तुम्हें ख़तरनाक बीमारी हो गई सो so, यहाँ पर भी जो है पोइट ने बहुत ही आ, उम्दा वे में दो लोगों के दरमियान मुकालमा यूज़ करके उस शख्स के अंदर के खौफ को इस तरह से उस बंदे से बयान इस तरह से बयान किया मुकालमे की शक्ल में कि एक तो वो उसको आ, कुछ गोश्त वगैरह यानी कि सुपरनेचुर एलिमेंट से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आ, ताकि वो उसके माइंड में साइकोलॉजिकली ना उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकेंडली उसको आखिर में ना उसको शॉकिंग डिजीज़ का कह के कि तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ है कि कौन सी डिजीज़ है ये मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई ख़तरनाक डिजीज़ होगी इस तरह की बातें क्या ना उसको सेल्फ कंसर्न बनाना चाह रहा है और उसको डी uh, ट्रैक करना चाह रहा है उस जर्नी से जो लेना चाह रहा है वो राइडर तो बहु, बहु, बहुत बोल्ड इंसान है वो तो जर्नी लेना चाह रहा है लेकिन जो खौफ है उसका यानी कि उसका इनर सेल्फ है वो उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं उसको उससे अपोजिट करने पे उकसा रहे सो लेट सी फोर्थ है आउट ऑफ द हाउस सेट राइडर टू रीडर दफा हो जाओ किसने कहा को कहा राइडर ने मुसाफिर ने कहा चले जाओ यहाँ से नेवर विल कहते हैं अगर मेरे ही पाँव होंगे ना मेरे ही पाँव सख्ती बर्दाश्त करेंगे तुम्हारे तो नहीं करेंगे ना सो योर्स नेवर विल मीन्स के तुम्हारे तो नहीं करेंगे सेट फेयर टू फेयर फेयर आर लुकिंग फॉर यू सेट हेयर टू हॉर कहते जो, जो तुम गूस्ट और जो तुम विचेस Uh, या जम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के इमेजेस बना के मुझे डराना चाह रहे हो या वो जो डिजीज़ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो गोश्त जो कि वो वो हैला जो कि तुम कह रहे थे कि वो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ वो तुम्हारा इंतजार कर करा ना कि मेरा ये कह के उसने क्या किया एज ही लेफ्ट देम देअर ही लेफ्ट देम देअर जैसे ही वो उसने उनको छोड़ा वो वाकई उन्हें छोड़ के चला गया तो देट इज़ द ब्यूटिफली डिज़ाइंड पोएम जिसमें पोइट जो हैं वो बताते हैं कि एक बोल्ड इंसान जो कि अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देता है अपने खौफ की बात पे वो तो फाइनल आखिर में क्या है हमेशा जीत जाता है और वो शख्स जो कि अपने खौफ को आ, काबू अपने खौफ पर नहीं काबू पा पाता तो एंड में क्या होता है खौफ उससे जीत जाता है मीन्स खौफ उस पर काबू पा लेता है और वह नाकाम हो जाते हैं तो ये अगर हम अपनी ज़िंदगी में कॉमन तौर पे भी एग्जांपल लें ना तो हम ये चीज़ें डेली बेस पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं समटाइम्स हम काबू पा रहे होते हैं समटाइम्स हमारा खौफ काबू पा रहा होता तो है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पोइट ने ये हमें लेसन देने की कोशिश की है कि वी शुड बी अ बोल्ड पर्सन हमें किसी भी किस्म के ख़तरात से डरना नहीं चाहिए क्योंकि चलने वाले के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती मुश्किल उसके लिए होती है जिसकी Uh, जो चलने का बस इरादा ही रखता हो आगे उसने चलने का continue, की वो उसमें कोई उम्मीद बाकी ना हो सो दैट इज अ शॉर्ट पोएम बाय डब्ल्यू एच इजन होप यू लाइक द पोएम इफ यू लाइक द पोएम मस्ट लाइक इट सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव सम सजेशन आई वुड लाइक टू रीड दैम थैंक्स फॉर वॉचिंग